हेलो दोस्तों, पीएचडी का नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये आप देख लीजिए। इसके अंदर पीजी डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। आप फाइनल सेमेस्टर में हो तब भी अप्लाई कर पाएंगे, या आपने एमफिल 55% से पास की हो, या आपने 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री पास की हो, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये नए रूल के अनुसार है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों, इन्होंने इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी बताई है, ये आप देख लीजिए। यूनिवर्सिटी शैल एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई जूनियर रिसर्च पर JRF। इनका कहना है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को एडमिट करेंगे जिनके पास UGC CSR, UGC नेट और एनी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट एजेंसी से JRF वगैरह या कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप मिल रही हो, या नेट गेट सीड कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम पास किया हो, अपने को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आगे नोट के अंदर बताया गया है कि ये DRC कमेटी डिसाइड करेगी कौन किसका फाइनल रहेगा, सब कुछ वो आगे का प्रोसीजर है, ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की फ़ीस 1000 रुपये है जनरल और OBC के लिए, और SC ST PWD के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं, देख लीजिए। इन्होंने कैटेगरी के वाइज सभी सीटों को लोड किया गया है, ये आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छी सीटें हैं इसमें, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश एंड कंपेरेटिव लिटरेचर, इन्वायरमेंटल साइंस, जीनोमिक साइंस, जियोलॉजी, हिंदी, इंटरनेशनल रिलेशन, कनाडा लॉ, लिंग्विस्टिक, मलयालम, मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, प्लांट साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज़, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन, सोशल वर्क, टूरिज्म स्टडीज़, योगा स्टडीज़, जूलॉजी। टोटल 26 डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, इसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST वगैरह वालों के लिए। और दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट एंड जान लीजिए, इसकी लास्ट डेट 25 जनवरी तक है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि यदि किसी की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है या इसके या डेट निकलने के बाद में अप्लाई करते हैं तो उनको रिजेक्ट ही माना जाएगा, ये भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।